Babaji, Chief Minister has given you a Minister of State rank status, but the Congress Party is saying that this is just Congress Party का आरोप है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था नर्मदा सेवा यात्रा में, उसको अपने पाप धोने का ये एक तरीका है शिवराज सिंह का। बिल्कुल गलत बात है ये, चूंकि अपोजिट पार्टी है और अपोजिट पार्टी का दायित्व होता है कि कितने ही सरकार अच्छा काम करे उसके विपक्ष में बोलने का कर्तव्य होता है उनका, और बोला उनको करना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष करेगा ऐसा काम, परंतु नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है वो उत्साहवर्धन है। अच्छा बाबा जी, इससे जो आपको मंत्री बनाया गया है, इससे मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा? देखिएगा, हम लोगों को एक समिति बनाई गई है साधु संतों की, और उसमें जो है पेड़ पौधों की सुरक्षा, नर्मदा की स्वच्छता, जन संग्रहण, इसकी एक समिति बनाई है जो नर्मदा का स्वच्छ और साफ रखेंगे, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, उससे हम लोगों को काम अच्छा कर सकें। चुनावी साल में ही शिवराज सिंह को याद है। देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने यदि राज्य मंत्री का दर्जा दिया है तो कार्य हम कर सके, गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, अधिकारियों से बात करने की जरूरत पड़ सकती है, और समय समय से हम रात और दिन दौड़ेंगे तो सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है। इसके कारण इन्होंने जो मध्य प्रदेश, अच्छा, क्या बाबाओं को, खासकर आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेटस की जरूरत है, आवश्यकता है नर्मदा को बचाने के लिए? उसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके बगैर भी हो सकता है। हम करते ही आए हैं, हमारे साधु संत जो है, हम क्या, हमारे सभी साधु संत शुरू से नर्मदा के प्रति हम आस्था रखते थे, कुटिया बना के भजन करते थे, और पेड़ पौधे की बात करें, स्वच्छता की बात करें, सफाई की बात करें, जन संग्रहण की बात करें, वो करते थे। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि जब ये इनसे ज्यादा काम होगा, रात दिन दौड़ेंगे ज्यादा अच्छे से अच्छे काम होने के लिए, सुख सुविधा की सुख। देखा, अच्छा बाबा जी, अभी 6 करोड़ पौधों वृक्षारोपण नर्मदा किनारे किया गया था, और वो अधिकांश पौधे जो है मर गए हैं, और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भी आरोप इसमें लगाया, कहीं बाबाओं के हाथ भी मैले तो नहीं हो जाएंगे इस राजनीति में? बिल्कुल नहीं, हम लोग इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोई पेड़ इधर उधर हो रहे हैं, कोई सूख रहे हैं, उसी के लिए तो हमारा दायित्व होता है कि हम साधु संत हमारे हजारों अनुयायियों को लेकर के हम लोग जाएंगे और उस पौधों को सुरक्षित रखेंगे और स्वच्छता रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, नर्मदा जी को, नर्मदा जी का जन संग्रहण करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद जिन्होंने साधु संतों को भरोसा जताया है, और साधु संत। अच्छा बाबा जी, एक और सवाल ये भी है कि कांग्रेस का आरोप है कि जो जिनको ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया उनमें से एक तो बाबा है ही नहीं, यूथ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता। बिल्कुल गलत बात है ये, उनने जो जानकारी दे रहा है वो गलत जानकारी दे रहे हैं। वो शुरू से ही हमने देख रहा है, करीब बहुत दिनों से जो है वो शुरू से ही ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है वो, और उन्होंने जो है शुरू से साधु संत, कांग्रेस का कुछ ऐसा है ही नहीं उसमें, वो गलत बात है। और वो आरोप जो रहे, हमने बताया ना कि विपक्ष है, वो आरोप तो मरते रहेंगे सरकार के अच्छे काम के लिए मरते रहेंगे। अच्छा, ये जो अच्छा काम आप कह रहे हैं सरकार करिए, इससे शिवराज सिंह चौहान जी को कुछ फायदा होगा? देखिएगा, काम की गति और बढ़ेगी। शिवराज सरकार तो नर्मदा यात्रा निकाल करके, एकात्म यात्रा निकाल करके, साधु संतों को लेकर के तो अच्छा काम कर ही रहे थे। यात्रा तो दिग्विजय सिंह भी निकाल रहे थे। देखिए, दिग्विजय सिंह निकाल रहे थे, वो अपने पर्सनल निकाल रहे थे, वो राजनीति का बू आने लगी। अब पहले तो बढ़िया निकल रही थी उनकी यात्रा, पर अब लगा मुझे कि यात्रा जो निकल रही थी उन्होंने अपने अपनी पत्नी के साथ में। शिवराज की यात्रा में कोई राजनीतिक बू नहीं? बिल्कुल नहीं, वो सरकार है, वो साधु संतों के साथ निकाली है, इसलिए बू का प्रश्न नहीं उठता।